शहीदी दिवस के अवसर पर हमीरपुर के बचत भवन में रेडक्रॉस सोसाइटी के सहयोग से विभिन्न संस्थाओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर का शुभारंभ उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने किया। इस अवसर पर एडीसी जितेंद्र सांजटा, एससी राजकृष्ण भी मौजूद रहे। रक्तदान शिविर में काफी युवाओं व लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने कहा कि रक्तदान करना महादान होता है और लोगों को रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने रक्तदान शिविर का आयोजन करने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी को बधाई दी और युवाओं का रक्तदान करने के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि रक्तदान से किसी की जान बच सकती है, इसलिए रक्तदान महादान होता है। यहाँ पे हमारे बचत भवन के हॉल में आज रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ के समन्वय के साथ साथ नादौन केयर फाउंडेशन, इनकलाब फाउंडेशन और कई सारे ऐसे यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के सामंजस्य से एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज इस तरह का एक दिन है, आज शहीद दिवस है, जहाँ पे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी जो रेवोल्यूशनरीज थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, उनकी आज एक डेथ एनिवर्सरी है और इस दिन को मनाने के लिए इससे अच्छा जो है कार्यक्रम वो नहीं हो सकता था, क्योंकि हमारे यूथ का जो सोसाइटी की तरफ जो योगदान है वो उनके और सोसाइटी की तरफ सर्विस का जितनी जो भावना है उसको इंकल्केट करने के लिए इस तरह का कैंप जो है आयोजित किया गया है। इसके लिए मैं ऑर्गेनाइजर्स को, रेड क्रॉस सोसाइटी और सभी हमारे यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और ऐसे सारे नौजवान जो हमारे साथी हैं, जो आज यहाँ पे बारिश के बावजूद, मौसम खराब होने के बावजूद काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं और पूरे दिन आते रहेंगे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ कि उनका ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है आज, ये छोटा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है और उन्होंने अपना समय निकाल के अपना ये जो ब्लड डोनेशन कर रहे हैं उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ब्लड डोनेशन का कैंप जब भी आयोजन होता है तो वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मेडिकल स्टाफ जो है वो भी डिप्लॉयड होता है। आप अगर पर्याप्त जो पैरामीटर्स हैं हेल्थ के, जो मानक हैं, उसमें अगर ठीक हैं और हेल्दी हैं तो आपको ब्लड डोनेशन से आपकी तबीयत में कोई भी नेगेटिव असर नहीं पड़ता है। हमारे वैसे भी जो है 120 दिन के बाद जो है वो हमारे RBCs हैं, वो उनकी जो उतनी लाइफ साइकिल होती है वो दोबारा अपने आप दोबारा बनते हैं। तो ये आप लोग कहीं भी इंटरनेट में कितना भी आप देखें, हर जगह आपको बहुत सारी सूचना मिलेगी। आजकल भ्रमित होने का माहौल तो बिल्कुल भी है ही नहीं, जो भी चाहे थोड़ा बहुत भी रिसर्च करे तो उसको ये सही सूचना बहुत आसानी से मिल सकती है। तो इस तरह के कार्य को अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरह की झिझक के कारण पीछे ना रहें, और आपको अगर इस बारे में कोई भी सूचना चाहिए आप किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर से या नेट से जो है इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैं सभी से आह्वान करना चाहूँगी, जो स्वस्थ है, ठीक है, वो बिना झिझक जो है इस तरह के कैंप्स में भाग ले सकते हैं। इनकलाब संस्था रंगस के प्रतिनिधि ने बताया कि शहीदी दिवस के अवसर पर पूरे देश में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 90,000 रक्त की यूनिट इकट्ठा की जा रही है। उन्होंने बताया कि हमीरपुर में भी इनकलाब संस्था के सदस्यों के द्वारा बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया जा रहा है। इनकलाब संस्था के द्वारा ये तीसरा शिविर है। आज का जो शिविर है ये एक निफा संस्था है, उसके सौजन्य से पूरे देश में 1500 शिविर लग रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी का 9वां शहादत दिवस है, तो इस 9वें शहादत दिवस के अवसर पर पूरे देश में 1500 कैंपों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें एक रिकॉर्ड 90,000 यूनिट इकट्ठे किए जाएंगे, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, जिसका सर्टिफिकेट भी हर डोनर को दिया जाएगा। साथ में इसमें जो भी संस्थाएँ सहयोग कर रही हैं, नादौन केयर फाउंडेशन, हमीरपुर ब्लड डोनर, शहीद भगत सिंह रक्तदान समिति और जो भी हमारे शहीद भगत सिंह युवा मंडल हैं, उन सबको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, क्योंकि आज एक रिकॉर्ड तोड़ ब्लड डोनेट होगा और पूरे देश में 90,000 यूनिट इकट्ठे किए जाएंगे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा मैं सभी युवाओं का, सभी संस्थाओं का धन्यवाद करता हूं, जो इस बारिश के मौसम में भी आज शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को श्रद्धांजलि देने आए। हमारी कोशिश रहेगी कि एक्चुअली हमें 3 कैंप्स का टारगेट था, लेकिन ब्लड बैंक टीम्स की कमी की वजह से आज यहाँ पर एक ही कैंप लग रहा है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि तीनों कैंपों का जो भी डोनेशन है वो एक कैंप से निकाली जाए और कम से कम 120 से ज़्यादा डोनेशन हम इस कैंप से निकालेंगे।